नमस्कार, खबरें हिमाचल की में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा मिश्रा। आइए आगाज करते हैं हिमाचल की अहम खबरों का। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने छोटा शिमला वार्ड में अपने परिवार सहित अपना वोट दिया। बारिश के बीच मतदान करने पहुंचे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ने वोट देने के बाद छोटा शिमला ढाबे में चाय की चुस्कियों का आनंद लिया। सुखविंदर सिंह इसी वार्ड में रहते थे और दो बार वार्ड सदस्य रहे हैं। विधानसभा चुनाव के दौरान अपने गृह क्षेत्र नादौन में वोट देने वाले मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के शिमला नगर निगम चुनाव में दिए गए वोट पर हंगामा खड़ा हो गया। बीजेपी ने पूर्व मंत्री सुरेश भारद्वाज ने इस वोट पर सवाल उठाया है, साथ ही कहा कि सुखविंदर सिंह सुक्खू नादौन में वोट देकर आए हैं, इसलिए शिमला में उनका दूसरा वोट गलत परंपरा है। देखिए, मेरा राजनीतिक जीवन की शुरुआत जो पब्लिक लाइफ में छोटा शिमला वार्ड से हुई है और मुझे बड़ी खुशी है कि मैं आज यहाँ अपना वोट डालने के लिए आया हूँ। मैं छोटा शिमला की जनता का भी बहुत धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने मेरे राजनीतिक जीवन की शुरुआत में मेरा साथ दिया और दो बार मुझे यहाँ से पार्षद बनाकर भेजा। और मैं इसलिए आज अपने एक प्रत्याशी है सुरेंद्र चौहान जी, जो पार्षद के समय मुझे सपोर्ट करते थे, आज वो मेरे प्रत्याशी है। मैं इस दृष्टिकोण से भी हमारे सारा परिवार उनको वोट डालने आया। सर, भाजपा ने आरोप लगाए हैं कि भाजपा ने दो कंप्लेंट्स यहां पर जारी की है कि दो बूथों पर नंबरिंग में सीरियल नंबर की गई है। मैंने तो ये नंबरिंग की छेड़छाड़ की बात तो पहली बार सुनी है। शिमला की जनता पढ़ी लिखी है, शिमला के कर्मचारी अधिकारी पढ़े लिखे हैं। हाथ का निशान देकर ही लोग वोट डालेंगे या कोई और निशान देकर दूसरी पार्टी को वोट डालेंगे? ये कहना कि नंबरिंग कहनी है, ये गलत बात है और ये ना उनको शोभा देता है। लोग यहाँ जानते हैं कि हमने किसके पक्ष में वोट डालना है और लोग ये भी जानते हैं कि इस बार किसको उन्होंने समर्थन देना है। तो इस दृष्टिकोण से इस प्रकार की बातें करना कि एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, वहाँ सिंबल नहीं होता, नाम के आगे सिंबल होता है और सिंबल को लोग नहीं जानते। तो इसका मतलब वो ये हुआ कि कोई और दूसरी तीसरी पार्टी को वोट नहीं पड़ेगा, सिंबल देख के वोट पड़ता है, विचारधारा को देख के वोट पड़ता है। और इसी दृष्टिकोण से हम जो शिमला की प्रबुद्ध जनता है, सरकारी कर्मचारी अधिकारी है, वो सोच समझ कर यहाँ वोट डालते हैं। यहाँ की जनता शिमला नगर निगम चुनावों को लेकर सुबह 8 बजे से मतदान शुरू हो गया। वहीं बीजेपी ने चुनाव प्रक्रिया को लेकर सवाल खड़े कर दिए। बीजेपी ने ईवीएम मशीन में बीजेपी उम्मीदवारों के स्थान बदलने के आरोप लगाए हैं, साथ ही इसको लेकर चुनाव आयोग में शिकायत भी दी गई है, जिसमें छोटा शिमला और कंगना धारवाड़ में बीजेपी उम्मीदवारों के स्थान बदलने के आरोप लगाए गए हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा कि कांग्रेस सरकार नगर निगम चुनावों में धांधली कर रही है, अभी तक किसी भी चुनाव में ऐसा नहीं हुआ है। कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों को जिताने के लिए ईवीएम मशीन के अंदर बीजेपी के चुनाव चिन्ह के स्थान बदल दिए। कांग्रेस इन चुनावों को जीतने के लिए इस तरह के हथकंडे अपना रही है जो कि शर्मनाक है, जिसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसको लेकर चुनाव आयोग में शिकायत दी गई है। चुनाव शिमला में चुनावी धांधली की परिकाष्ठा, ना ऐसा पहले कभी हुआ और शायद भविष्य में भी कभी ऐसा नहीं होगा। कांग्रेस सरकार ने कांग्रेस के उम्मीदवारों को धक्के से जिताने के लिए और मशीन के अंदर उनके चुनाव चिन्ह की प्लेसमेंट को बदलने का काम किया, ये बहुत शर्मनाक है। मैं आपके सामने रख रहा हूं, वार्ड नंबर 28 छोटा शिमला, चुनाव आयोग की वेबसाइट, ये वेबसाइट का स्क्रीनशॉट। इस स्क्रीनशॉट के हिसाब से और वेबसाइट की रिपोर्ट के हिसाब से, जो हमने वेबसाइट आज 10:48 के ऊपर डाउनलोड किए, भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार संजीव चौहान पहले नंबर पर है और
भारतीय जनता पार्टी को जो अलॉटमेंट की गई उसमें भी पहले स्थान पर ही था। भारतीय जनता पार्टी ने पूरा चुनाव का जो कंपेन चलाया, जो डमी बैलेट बनाए, उसके अंदर भी पहले स्थान के ऊपर भारतीय जनता पार्टी को हमारे उम्मीदवार और कमल के चुनाव को दिखाया गया। परंतु आज जब मशीनें खोली गई तो भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार पहले स्थान से उठ करके दूसरे स्थान पर आ गया और कांग्रेस का उम्मीदवार तीसरे स्थान से उठा करके पहले स्थान पर पहुंचा दिया गया। इससे बड़ी चुनाव को प्रभावित करने के लिए हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला आज दो दिवसीय सिरमौर जिला के दौरे पर पहुंचे। तीर्थ स्थल रेणुका जी पहुंचकर उन्होंने भगवान परशुराम और माता रेणुका के मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद पवित्र रेणुका जी झील की परिक्रमा भी की। राज्यपाल ने करीब 7,000 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे महत्वपूर्ण रेणुका जी बांध परियोजना का भी निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ बांध प्रबंधन और जिला प्रशासन से जुड़े अधिकारी भी मौजूद रहे। 7,000 करोड़ इस परियोजना का खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिलान्यास भी कर चुके हैं। धार्मिक स्थली और पर्यटन स्थली ये तो सबको, हम लोग हिमाचल में हैं, हिमाचल को देवभूमि मानी जाती है, तो स्वाभाविक है कि यहाँ के गांव-गांव से देवी और देवता है। और इतना उत्सव जितना हिमाचल में होता है मैं समझता हूँ कहीं नहीं होता होगा। स्वाभाविक है कि मैं वहाँ आया हूँ, वहाँ माता रेणुका का भी दर्शन किया हूँ और परशुराम जी का भी दर्शन किया हूँ और फिर इस रेणुका डैम पर आ कर करके इसके निरीक्षण किया हूँ। हमारे साथ हमारे विधायक जी भी हैं। मुझे लगता है कि जो प्रोजेक्ट बहुत पहले कंप्लीट होना चाहिए था, 1960 से इस प्रोजेक्ट को कि यह बन सकता है इसके संदर्भ में डिस्कशन हुआ और आते आते अब जा कर के कहीं वह पूरा होने की स्थिति में आ रहा है। अगर उस समय बना होता तो जो कास्ट है और आज के कास्ट में बहुत अंतर आता है। 7,000 करोड़ रुपए से अधिक की इसकी कास्ट आएगी। बढ़ते हुए समय में हो सकता है थोड़ी और भी वो बढ़ जाए, फ्लो करे, लेकिन मुझे लगता है कि इससे हिमाचल प्रदेश को, उत्तराखंड को, यूपी को, राजस्थान को और दिल्ली को जो लाभ मिलेगा उसके समझौते तो हो चुके हैं। इतना तो स्वाभाविक है कि जितनी तेज़ी से बनेगा, हाँ इसके इस प्रोजेक्ट के डायरेक्टर भी हैं, चीफ इंजीनियर भी हैं, उन सभी लोगों से भी मेरी वार्ता हुई है। मुझे प्रसन्नता है कि यह जितनी जल्दी से जल्दी हो सके, और अभी 5-6 साल इसमें पूरे होने में लग जाएंगे, लगभग 28 के अंत तक की स्थिति इसकी हो सकती है। फिर भी कहाँ 1960 और कहाँ ये 5 साल, इस नाते इस 5 साल में निश्चित रूप से ये बन जाए, यह हमें अपेक्षा। सर आज श्री रेणुका जी बांध जन संघर्ष समिति का एक प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल जी से मिला, तो हमारी विस्थापितों की जितनी भी समस्याएं हैं, जैसे कि विस्थापितों का विस्थापन पुनर्वास और रोजगार, और जो विस्थापितों को प्रोजेक्ट अफेक्टेड फैमिली के कार्ड वितरित करने हैं उसके बारे में हमने लिख के दिया है, और जो पुनर्वास के लिए हमारे लिए जो ज़मीनें खरीदी है उसके विषय में हमने लिख के दिया है, और एक जो वैकल्पिक पुल जो हमने कहा था बांध प्रबंधन से जो चमियाना से मोतू के लिए बनना था उसके विषय में हमने लिख के। जिला ऊना के इंदिरा खेल परिसर में हॉकी इंडिया की मुहिम और हॉकी हिमाचल द्वारा खिलाड़ियों को हॉकी किट वितरित की गई। आपको बता दें कि हिमाचल के जिला ऊना में खिलाड़ियों को हॉकी किट वितरित की गई है। मीडिया में जानकारी देते हुए बताया कि ये मुहिम हॉकी इंडिया द्वारा शुरू की गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य हॉकी को ग्रामीण स्तर पर जो प्रतिभा घरों से बाहर नहीं निकल पाती उनको टैलेंट सर्च के माध्यम से हॉकी के प्रति जागरूक करना है और ऐसी प्रतिभाओं को आगे लेकर आना है और उन्हें हॉकी खेल के प्रति इस तरह से जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ये सभी खिलाड़ी उड़ीसा में होने वाली राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता में भाग लेंगी। उन्हें उम्मीद है कि हिमाचल की तरफ से ये खिलाड़ी उसमें अपना बेहतर प्रदर्शन करेंगे।
अगले कल जो टीम हिमाचल प्रदेश को रिप्रेजेंट करेगी राष्ट्रीय स्तर के ऊपर उड़ीसा में जाकर के राउरकेला में, उस टीम को स्टिक्स और बाकी सारी किट्स यहाँ पर दी गई हैं। ये टीम अगले कल जाएगी और राष्ट्रीय स्तर पर हिमाचल प्रदेश को रिप्रेजेंट करेंगे, उनको मैं शुभकामनाएं देता हूँ। और कुछ दिनों से जहाँ पर कैंप चल रहा था उस कैंप में इन्होंने मेहनत की है, आगे जो अच्छा करें ऐसी इनको शुभकामनाएं देते हैं। और अच्छी किट और अच्छी स्टिक इनको दे करके रवाना किया गया है। मैं हिमाचल प्रदेश हॉकी संघ के अध्यक्ष और उनके सभी सहयोगियों को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, बहुत बधाई भी देता हूँ। और आज इस शुभ मौके के ऊपर बहुत ही हॉकी के अंदर काम करने वाले हमारे रमेश पठानिया जी भी हमारे बीच में हैं, जो द्रोणाचार्य अवार्ड से जिनको अलंकृत किया गया है, मैं उनको भी शुभकामनाएं देता हूँ। और उन्होंने इसके लिए जो विशेष ध्यान दिया है, उनके सभी सहयोगी मैडम पुरी जी और अन्य मनीषा जी और हमारे सभी जो कोचेज हैं, इन सबको शुभकामनाएं और इन सबको बहुत बहुत बधाई। जिला ऊना के इंदिरा खेल परिसर में आज बीजेपी विधायक ने महिलाओं को हॉकी किट प्रदान की। आपको बता दें कि इसका मुख्य उद्देश्य हॉकी को ग्रामीण स्तर पर जो प्रतिभा घरों से बाहर नहीं निकल पाती उनको टैलेंट सर्च के माध्यम से हॉकी के प्रति जागरूक करना है, जिसको लेकर प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए आज महिलाओं को हॉकी किट वितरित की गई। आज हिमाचल में नगर निगम चुनावों को लेकर सुबह 8 बजे से मतदान शुरू हो गया। हालांकि सुबह से ही शिमला में बारिश हो रही है, बावजूद इसके मतदान केंद्रों में मतदान के लिए लोगों की लंबी लंबे लाइनें लगी हुई हैं। दोपहर 12 बजे तक 29% मतदान हुआ। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा भी भराड़ी वार्ड के कलस्टन में अपना वोट देने के लिए पहुंचे। मतदान करने के बाद आनंद शर्मा ने कहा कि ये उनकी जन्मभूमि और वो हर बार चुनावों में मतदान करने पहुंचते हैं। साथ ही कहा कि नगर निगम के चुनाव काफी महत्वपूर्ण चुनाव हैं। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत हुई है और अब शिमला नगर निगम चुनाव में भी कांग्रेस जीत दर्ज करेगी। शिमला के लोग काफी समझदार हैं। नगर निगम में अधिकतर कांग्रेस के ही महापौर और उप महापौर रहे और इस बार भी कांग्रेस नगर निगम चुनावों में जीत दर्ज करेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनावों के दौरान कांग्रेस द्वारा किए गए वादों को प्रदेश की कांग्रेस सरकार पूरा कर रही है। Democracy is not about one person or one ideology. All ideologies have a space in our parliamentary democracy. तो जो भी राजनीतिक संवाद हो मर्यादाओं की सीमाओं के अंदर होना चाहिए, शालीनता से होना चाहिए। मेरा अपना एक जो लंबा अनुभव है भारत की राजनीति में, हमने प्रचार भी किए हैं, संसद में भी बोले हैं, कभी एक शब्द भी आपत्तिजनक नहीं है उच्चारण किया, ये रिकॉर्ड। मेरा सबसे यही आग्रह है, चुनाव हो जाएंगे, वोट पड़ जाएगा, कटुता नहीं आनी चाहिए। वैचारिक और विचारधारा के जो मतभेद हैं वो अच्छे हैं, होने भी चाहिए, तभी लोग चयन कर सकते हैं किस दल को, किस विचारधारा को, किसकी नीतियों को समर्थन देना है। पर उसको व्यक्तिगत नहीं बनाना चाहिए, मतभेद रहें, मनभेद नहीं होना चाहिए। इन कर्नाटका दिल से कांग्रेस मैनिफेस्टो इज लाइक मुस्लिम मैनिफेस्टो स्पेशली ऑफ बर्निंग ऑन द बजरंग दल। आई वोंट कमेंट ऑन सच इररिस्पांसिबल कमेंट्स। थैंक यू। थैंक यू। और क्या मैसेज जो है वो जाता है जब बड़े नेता कि आपका तो ये गृह क्षेत्र है, आप हर बार जो है वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं? मेरी जन्मभूमि भी है, गर्म भूमि भी है, मैं हर बार मतदान में शामिल होता हूँ। एक महत्वपूर्ण चुनाव है, विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की विजय हुई है और अभी भी हम उम्मीद करते हैं कि लोगों का आशीर्वाद और समर्थन कांग्रेस के लिए रहेगा। शिमला के विकास की चुनौतियां हैं और कुछ लक्ष्य भी हैं कांग्रेस के पास। आने वाले 5 साल यहां कांग्रेस की सरकार है, मतदाता समझदार हैं, वो पहले भी अधिकांश समय कांग्रेस के मेयर और कांग्रेस की कॉर्पोरेशन रही है। मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरह से हमारे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी और यहाँ की सरकार कम समय के अंदर प्रयास करके और अपने वायदों को पूरा कर रही है।
केवल 4 महीने हुए हैं, पर बहुत जो वायदे किए गए थे पूरे भी हुए हैं, इसीलिए हम ये आश्वस्त हैं। प्रदेश सरकार के निजी स्कूल की बसों के बढ़ाए गए टैक्स को लेकर जिला निजी स्कूल बस ऑपरेटरों की अब परेशानियां बढ़ गई हैं। सरकार ने निजी स्कूल बस ऑपरेटरों से 1 साल का लाखों रुपए टैक्स वसूल करना शुरू कर दिया है। सरकार के इस रवैये से परेशान निजी बस ऑपरेटरों ने आज उपायुक्त कार्यालय के बाहर रोष व्यक्त किया। इसके अतिरिक्त टैक्स बढ़ोतरी के विरोध में निजी स्कूल बस ऑपरेटरों ने DC कांगड़ा के माध्यम से प्रदेश सरकार परिवहन मंत्री को शिकायत पत्र भी सौंपा। DC कांगड़ा के माध्यम से संपर्क मांग पत्र स्कूल बस ऑपरेटर तपन मेहरा ने कहा कि पहले सरकार 92 साल का निजी स्कूल बस ऑपरेटर से वसूल किया करती थी, लेकिन अब टैक्स की कीमत बढ़ाकर 6,48,000 रुपए कर दी गई है। तपन मेहरा ने कहा कि आज जिला कांगड़ा के निजी स्कूल बस ऑपरेटर DC कांगड़ा से मिले हैं और उनके माध्यम से सरकार और परिवहन मंत्री से गुहार लगाई है कि सरकार जो निजी स्कूल बस ऑपरेटरों से टैक्स वसूली कर रही है उसे ना करे। मैम, पहले ये टैक्स जो था वो 9200 रुपीस था, जो PGT के रूप में हमसे एक्साइज डिपार्टमेंट लेता था, और 1 जनवरी 2022 के बाद जो है इसको SRT में कन्वर्ट कर दिया गया है और RTO धर्मशाला के पास ये फॉरवर्ड हो गया है। पहले हमारा टैक्स 9200 रुपये था 1 साल का, अब जो है वो 40 सीटर गाड़ी का 6,04,000 रुपये जो है वो हमें बता रहे हैं कि इतना टैक्स रहेगा। जी, DC कांगड़ा को हमने ये अपना ज्ञापन सौंपा है और उनसे हमने ये रिक्वेस्ट की है कि उनके माध्यम से हम CM सर, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर सर, इन सब से ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि पब्लिक इंटरेस्ट में इस चीज़ को ठीक किया जाए। बेसिकली ये जो पड़ता है एक बच्चे का एक महीने का 1260 रुपये सिर्फ टैक्स पड़ेगा, जहाँ से कोई बच्चा जो है 800 रुपये हमें किराया दे रहा है वो 800 से सीधे 1200 ऐड होके 2000 से ऊपर चला जाएगा। तो ये जो प्रॉब्लम है या ये जो बर्डन है ये सिर्फ पेरेंट्स के ऊपर पड़ेगा। हम तो टैक्स तभी सरकार को देंगे ना अगर हमें पेरेंट्स हमें पे करेंगे, तभी हम आगे देंगे। बस वो चीज़ है, परसेंटेज तो है ही नहीं। आप देखिए 9200 से लेके जो है वो सीधे 6,04,000 हो गया है, तो इसमें परसेंटेज तो कैलकुलेट की नहीं हमने। एक्चुअली HP 02 जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कैरेज में आती है और सिर्फ हिमाचल में ऐसा है कि PSV परमिट जो स्कूल के नाम पे है और 02 परमिट जो कॉन्ट्रैक्ट कैरेज है वो ट्रांसपोर्टर्स के नाम पे है, जो एग्रीमेंट के बाद ये गाड़ियाँ डालते हैं। अदरवाइज़ आप अगर कैलकुलेट देखेंगे पंजाब में, हरियाणा में, दिल्ली में, राजस्थान में, वहाँ सब तरफ सिर्फ PSV परमिट होता है, क्योंकि जो भी स्कूल के नाम की गाड़ी है चाहे वो कॉन्ट्रैक्टर ले चाहे वो ले, नॉर्म सारे सेम फॉलो होते हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने लेट डाउन किए हैं, जैसे स्पीड गवर्नर्स हैं, बॉडी जो है वो उसके अकॉर्डिंगली बनी है, हर चीज़ हम फॉलो करते हैं। और अगर जो स्कूल की बस जितनी चलती है हमारी भी उतनी चलती है, जितनी वेयर एंड टेयर उसकी होगी उतनी वेयर एंड टेयर हमारी गाड़ी की होगी, जब सब कुछ सेम है, ठीक है, हमारे परमिट्स में क्लियरली लिखा गया है ओनली फॉर अ पर्टिकुलर स्कूल, हम और किसी को एक बाहर के किसी इंसान को उसमें बिठा नहीं सकते हैं, तो हमारी जो इनकम है या जो चीजें हैं वो एक लिमिट। औद्योगिक नगरी बद्दी में पुलिस ने हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के Phase 3 की एक बिल्डिंग में देह व्यापार करने वालों का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को सूचना मिली कि Phase 3 की एक बिल्डिंग में बिलासपुर जिले के फरो गांव का अनित कुमार और भोटा तहसील के झरातली गांव का उशांत कुमार बाहर से लड़कियों को बद्दी लाकर देह व्यापार का धंधा कर रहे हैं, जिस पर थाना प्रभारी राकेश राय ने टीम के साथ उक्त बिल्डिंग में दबिश दी। DSP प्रियंक गुप्ता ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि पुलिस ने प्रिवेंशन ऑफ ई मोरल ट्रैफिकिंग अधिनियम की धारा 3-4 के अधीन अभियोग पंजीकृत कर लिया है। पुलिस इसकी जाँच कर रही है। कल शाम को जो है SHO बद्दी राकेश रॉय जो अपनी टीम के साथ जो है साई रोड पे गश्त पे थे, जब वो लेबर चौक के पास पहुंचे तो उन्हें मुखबिर खास से सूचना मिली कि Phase 3 में कुछ 2 व्यक्ति हैं जिनका नाम जो उशांत कुमार और एक और व्यक्ति है जो जिला बिलासपुर और जिला हमीरपुर के निवासी हैं, वो किसी बिल्डिंग में जो है देह व्यापार का धंधा करवा रहे हैं। तो जब इस सूचना पे जो है पुलिस ने जो है कोई एक व्यक्ति जो वहीं का निवासी था उसको नकली ग्राहक बनाकर आगे जब बिल्डिंग में भेजा, तो उसके बाद जब पुलिस को वहां से जो सूचना जो है मिली कि ऐसा कार्य हो रहा है, तो उसके पुलिस ने जब वहां रेड की तो वहां से जो है 2 व्यक्ति जिनका ये नाम बताया वो मिले, साथ ही साथ जो 2 युवतियां जिनसे ये जबरदस्ती जो ये कार्य जो है
करवाया जा रहा था वो बरामद हुई है। तो इस संदर्भ में जो है पुलिस ने बद्दी थाना में जो सेक्शन 3 और 4 प्रिवेंशन ऑफ इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट है उसके अंतर्गत एफआईआर दर्ज कर दी है और जो है आगे आज जो है इन व्यक्तियों को जो है कोर्ट में पेश करके जो इनका रिमांड दिया जाएगा साथ ही साथ जो है आगे की कार्रवाई। हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों की वीडियो आए दिन किसी न किसी कारण से सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है। ऐसा ही एक मामला नालागढ़ डिपो की बस का भी सामने आया है जिसमें वायरल वीडियो में नालागढ़ बस डिपो की छत से पानी टपक रहा है। जानकारी के अनुसार डिपो की छत से टपकते बारिश के पानी का वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। आज सुबह जैसे ही बारिश होने लगी तो निगम की बस की पिछली सीटों पर छत से बारिश का पानी टपकने लगा। इससे यात्रियों को सीट पर बैठने में परेशानी का सामना करना पड़ा। बस में टपक रहे पानी का एक यात्री ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वहीं एचआरटीसी बस की एक और वीडियो सामने आई है जिसमें सुबह के समय लोगों को जान जोखिम में डालकर बस में सवार होना पड़ रहा है। वीडियो में एचआरटीसी बस में लोग बस के दरवाजों पर लटक कर बस में सवार होने को मजबूर हैं। ये वीडियो भी नालागढ़ क्षेत्र के दबोटा गांव का बताया जा रहा है जहां इस रूट पर बसों में कमी के चलते लोगों को ये जोखिम उठाना पड़ता है जिससे बस के साथ हादसा होने का खतरा बढ़ जाता है। हाँ ये मैंने भी मेरे ध्यान में भी आया है। मैंने अभी आप जब वीडियो देखा तो मुख्यमंत्री को बुलाया था कि ये गाड़ी क्या बात है, इसकी छत क्यों लीक हो रही था। तब जब ये गाड़ी का नंबर देखा गया तो गाड़ी काफ़ी पुरानी है और इससे पहले भी ध्यान में आया था कि गाड़ी के छत लीक हो रहा है, लेकिन जैसे ही अभी एक महीने के अंदर हमारी गाड़ियों की नीलामी की जा रही है उसमें ये गाड़ी नीलाम होनी है, इसलिए इस गाड़ी का छत रिपेयर नहीं करवाया क्योंकि छत रिपेयर करने पर काफ़ी खर्चा होगा, लगभग 50-60 हज़ार रुपया खर्चा होगा और ये गाड़ी कुछ ही दिनों में खड़ी कर दी जाएगी और इसको कंडम किया जा रहा है। जी सर, ओवरलोडिंग की अगर बात करें तो काफ़ी जो है हो रही है, स्पेशली दबोटा साइड जो है देखी जा रही है, तो क्या कहेंगे ओवरलोडिंग? हाँ ये भी देखा गया कि सुबह जो बसें ड्यूटी टाइम में आती है और स्कूल टाइम में आती है उसमें एक दो बस में ओवरलोडिंग है, दिन में तो ज़्यादा ओवरलोडिंग नहीं है लेकिन एक दो बस जो सुबह सुबह आती है ऊना से या कीर्तपुर शहर से उसमें ओवरलोडिंग है। जल्दी ही इसमें कोई एडिशनल बस लोकल लगाई जाएगी ताकि ओवरलोडिंग को कम किया जाए। कितनी बसें जो है इस समय चली हुई हैं, लेकिन जो आपका रोपड़ रोड है और जो दबोटा रोड है इन दोनों की साइड ही जो है ज़्यादा ओवरलोडिंग देखने को मिलती है? जी जी, ये सुबह सिर्फ सुबह के टाइम ही जो अर्ली बसें ड्यूटी टाइम या स्कूल टाइम में आती है, एक दो बस रोपड़ से भी ओवरलोडिंग होती है, लेकिन रोपड़ में तो ज्वाइंट टाइम टेबल होता है क्योंकि हम पीआरटीसी की हरियाणा की सीटों की बसें चलती है उसमें तो अलग बात है, लेकिन जो बर्तगढ़ में दबोटा में ओवरलोडिंग है इसके लिए हम जल्दी एक लोकल बस लगाएंगे ताकि ये। मौसम विभाग के ऑरेंज अलर्ट के बीच हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और अन्य भागों में झमाझम बारिश जारी है। वहीं ऊंची चोटियों पर रुक रुक कर बर्फबारी हो रही है। मौसम के बदलते मिजाज से तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। वहीं लद्दाख की जांस्कर घाटी को जोड़ने वाला दावचा शिकुनला जांस्कर मार्ग ताजा बर्फबारी से बंद हो गया है। रुक रुक कर हो रही बर्फबारी से कुल्लू और लाहौल की ऊंची चोटियां सफेद हो गई हैं। वहीं निचले इलाकों में बारिश का दौर लगातार जारी है, इससे आम लोगों के साथ पर्यटकों और बागवानों को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। राजधानी शिमला में बारिश के साथ धुंध छाई हुई है। तापमान गिरने से मई में भी फरवरी के मौसम का एहसास हो रहा है। हिमाचल के जिला कांगड़ा में युवा पीढ़ी नशे की गिरफ्त में जकड़ती जा रही है। ऐसे में युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए कांगड़ा पुलिस प्रशासन ने विशेष अभियान चलाया है। पुलिस ने नशे के कई सौदागरों को जेल में पहुंचाया है। इसके बावजूद नशे के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। हैरानी की बात यह है कि नशे के इस काले कारोबार में महिलाएं भी शामिल हैं। चरस, अफीम, भांग, स्मैक, नशीली गोलियों के बजाय अब चिट्टे का कारोबार सबसे ज्यादा बढ़ रहा है। चिट्टे के साथ पुलिस जिन आरोपियों को गिरफ्तार कर रही है उनमें ज्यादातर की उम्र महज 22 से 30 साल के बीच है। पुलिस ने अब हर थाने और चौकी को सख्त निर्देश दिए हैं कि नशे के कारोबार करने वालों पर नकेल कसें। आंकड़े बताते हैं कि चिट्टे का नशा अब शहर के बजाय ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा फैल रहा है।
मैं पहले जो है शाहपुर पुलिस स्टेशन में 1 किलो 4 ग्राम चरस जो है उसका मामला सामने आया था, जिसमें एक लोकल शाहपुर के रहने वाले व्यक्ति को अरेस्ट किया गया था। उनको जो है पुलिस टीम के द्वारा इंटरोगेशन में ये पता किया गया कि चरस जो इस मात्रा में आई थी कहाँ से इसका सोर्स था और किस व्यक्ति ने उनको प्रोवाइड करवाई थी। तो उस जानकारी पर पुलिस की टीम जो है शिमला में और चंबा में एक्टिव थी, और इसी दौरान जो है शिमला के चौपाल एरिया से जो है पिछले कल जो सोर्स है जिन्होंने ये चरस 1 किलो 4 ग्राम जो है ऑफेंडर को पकड़ाई थी सोर्स करवाई थी, उनको कल गिरफ्तार किया गया है। और उनका आज जो है उनको कोर्ट में पेश करके उनका हम फर्दर पुलिस रिमांड लेंगे कि कोई और अन्य इस चेन में और अन्य व्यक्ति हों। साथ ही उनकी जो फाइनेंशियल प्रॉपर्टीज़ हैं दोनों ये जो एक्यूज्ड हैं उस पर भी पुलिस कार्रवाई करेगी। और इसमें हमें उम्मीद है कि फाइनेंशियल प्रॉपर्टी का जो हमारा प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन है उसमें संपत्ति जो है जो डाउटफुल संपत्ति है जिसका इलीगल सोर्स ऑफ जनरेशन जो है NDPA से जुड़ा हुआ पाया जा रहा है उस पर हम कार्रवाई आगे बढ़ाएंगे, और इसमें फ्रीजिंग और सीजिंग ऑर्डर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से लेंगे। और इसमें यदि और अन्य अब छानबीन में और आगे की फर्दर इन्वेस्टिगेशन में अन्य लोगों का इसमें शामिल। खबरें हिमाचल की में मेरे साथ इतना ही। देश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ANB News।